चावल की खोज में निकलते हैं, उन्हें चने नसीब नहीं होते। चावल की खेती के लिए हर वक्त पानी चाहिए, जबकि चने की फसल को पानी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिस कश्मीर को पाकिस्तान बनाने निकला था, वह तो उसके लिए ख्वाब बना ही, खुद उसके अपने दरवाजे भी बिना चौखट के हो गए हैं। हालत यह है कि जिस जनता की पीठ पर घबराना नहीं के बोर्ड लटके थे, अब उन्हें इमरान सरकार ने उतार दिया है। संदेश साफ है, घबराओ या मत घबराओ, काम ऐसे ही चलेगा। भारत से व्यापार बंद करने से पाकिस्तान की आम जनता को पसीने छूट रहे हैं, तो इमरान खान कभी भोकाल तो कभी हातिम ताई बनकर कश्मीर के नाम पर मौलाना फजलुर से 2020 के मैच में व्यस्त हैं। जनता सड़कों पर आने को बेकरार है, जबकि इमरान खान पाकिस्तान में ही फरार है। पर मामला केवल इतना हो तो सहन भी किया जाए। हद यह है कि पाकिस्तान का पूरा सिंध प्रांत एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। इमरान खान सिर ऊंचा करने के चक्कर में पूर्णिमा के बाद अमावस्या के चांद को ईद का चांद घोषित करने में जुटे हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान के कुकुर पर इमरान सरकार के नया पाकिस्तान का अधिक प्रभाव पड़ा है। नवाज शरीफ के कार्यकाल से साथ बैठे इन कुकुर ने इमरान के नया पाकिस्तान के नारे को सिर माथे पर लिया है। अब तक 3000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को काटकर इन्होंने 250 से ज्यादा लोगों को हुरों की तलाश में भेज दिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में गधैया नृत्य में भारी कमी आई है। भारत से व्यापार का असर यह है कि एंटी रेबीज वैक्सीन पाकिस्तान से लगभग खत्म हो चुकी है और 2-4 लोग रोजाना हुरों की खोज में निकल रहे हैं। रेबीज मुक्त कराची कार्यक्रम के निदेशक नसीम सलाउद्दीन ने कहा है कि भारत से जो वैक्सीन आयात की जाती है, वह अन्य देशों की तुलना में बेहद सस्ती है, साथ ही उसकी गुणवत्ता का स्तर भी सर्वश्रेष्ठ है। भारत की एंटी रेबीज वैक्सीन का रिजल्ट 100% सही पाया गया है। भारत से पाकिस्तान इस वैक्सीन को मात्र $6 में खरीदता था, यानी 900 पाकिस्तानी रुपए के लगभग, जबकि यूरोप और चीन से यह वैक्सीन खरीदने की हैसियत उसमें नहीं है। यूरोप और चीन से इस वैक्सीन का आयात करने पर यह $446 यानी 65,000 पाकिस्तानी रुपए के आसपास पड़ती है। यानी यूरोप और चीन से आयातित एक वैक्सीन के मुकाबले भारत से 80 वैक्सीन मिल जाती है। आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ साथ राजधानी इस्लामाबाद तक में इस वैक्सीन की भारी किल्लत है। नया पाकिस्तान बनने के बाद कराची की सड़कों पर आवारा कुकुर में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका असर यह है कि पिछले चंद हफ्तों में ही 130 लोग इनका शिकार बन गए। कमाल की बात यह है कि रात को पैदल गश्त पर निकलने वाली पुलिस भी इनका शिकार हो रही है। परसों सोमवार की रात नया पाकिस्तान में एक सब इंस्पेक्टर समेत 12 लोगों को इन्हीं कुकुर ने अस्पताल में भेज दिया। इमरान सरकार से 4 महीने पहले ही इथोपिया में अबी अहमद की सरकार भी सत्ता में आई थी। इस देश के हालात भी पाकिस्तान से भिन्न नहीं थे। पड़ोसी देश इरिटिया के संबंध भी भारत और पाकिस्तान की तरह तनावपूर्ण थे, मगर सितंबर 2018 में अबी अहमद ने शांति सौहार्द का जो सफर पकड़ा, उसे उन्हें नोबेल तक पहुंचा दिया। आज इरिटिया और इथोपिया में व्यापारिक संबंध बहाल हो चुके हैं, हवाई सेवाएं अनवरत चल रही है। इससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अबी अहमद भी एक मुस्लिम राष्ट्र से ही ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान पाकिस्तान का भविष्य नहीं है, वह पाकिस्तान के उस अतीत का हिस्सा है जिसे वह वर्तमान में स्मरण बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी जनता डेंगू और एंटी रेबीज वैक्सीन की वजह से इसलिए काल का ग्रास बन चुकी है, क्योंकि इमरान पाकिस्तान के अतीत का अभिन्न अंग है। इनमें से बहुत से लोगों की जिंदगी बच सकती थी अगर पाकिस्तान की हुक्मरान जमात भारत विरोध की नीति का परित्याग कर देती। वैसे इन लोगों का कसूर यही था कि ये उस पाकिस्तान का हिस्सा है जिसका निर्माण एंटी इंडिया के रूप में हुआ है। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।